बिजनौर थाना कोतवाली शहर में आज एक MBBS डॉक्टर के क्लिनिक पर हरियाणा से आई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम और पुलिस ने छापा मारकर चार महिलाओं सहित एक युवक को रंगे हाथ उस वक्त पकड़ लिया जिस समय अनट्रेड महिला द्वारा अल्ट्रासाउंड के दौरान भ्रूण लिंग बताने के लिए रुपया लिया जा रहा था। साथ ही साथ डॉक्टर के क्लिनिक को भी हरियाणा टीम द्वारा सील कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर ब्रजवीर चौधरी टीम को चकमा देकर फरार हो गया है। इस मामले में बिजनौर थाना शहर कोतवाली में डॉक्टर और उसके सहयोगी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभी तक उपासना रुकैया सहित चार महिलाओं और एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। ये जो छापा लगा अल्ट्रासाउंड मशीन फिर सीज की गई है, क्या मामला है? ये हरियाणा की टीम ने मुलाकात के लिए भेज कर यहाँ इंस्पेक्शन कराया और वो जो यहाँ कर्मचारी है उन्हें अपने साथ थाने ले गई, थाना को अपने साथ जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर विकास है और मैं नोट ऑफिसर PNDT डिस्ट्रिक्ट होती हूँ और कल रात को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरीके से इल्लीगल जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भ्रूण लिंग जांच की जाती है और हमने फिर एक अपराधी को एक पेशेंट बनाया तैयार किया और जो वहाँ का एजेंट था इन डॉक्टर का उन्होंने नाम 26,000 रुपये मांगे, 26,000 रुपये उन्हें दे दिए और सुबह 4 बजे का आज का टाइम दिया और आज 4 बजे खरखुदा से चलने के बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे ब्रिज अल्ट्रासाउंड सेंटर में इनका अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने बताया कि लड़का 12,000 रुपये एक दलाल से हमने रिकवर किया और बाकी जा रही है। कितने लोग शामिल थे इसमें? दो डॉक्टर हैं, दो तो यहाँ पे लेडीज हैं, एक डॉक्टर है और दो तीन दलाल हैं, तीन है उसमें, दो लेडीज दलाल हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।